ये फिल्म एक्चुअली सब लोग कहते हैं कि उनकी हर फिल्म डिफरेंट होती है, लेकिन ये वाकई में काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पिक्चर के बारे में, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। यानी कि आप कह नहीं सकते कि अब क्या होगा। और एक बात तो ज़रूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंटरवल के बाद जब लोग उठकर जाएंगे बाहर, तो उन्हें सेकेंड हाफ़ के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो रोमांटिक स्टोरी, रोमांटिक कहानी ज़रूर है, लेकिन इतने सारे जो मुश्किलें इन दो कैरेक्टर्स के ज़िंदगी में जो आते हैं, और उन मुश्किलों को किस तरीके से वो लोग पार करके एक होने की कोशिश करते हैं, और सस्पेंस इस बात की है कि क्या ये लोग साथ में आ पाएंगे एंड में कि नहीं। रोल क्या है इसमें? मेरा जो रोल है वो एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा, लौटा बेटा हूँ मैं, और उसमें उसके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर है कि जो भी चीज़ से वो बहुत प्यार करता है, वो उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत ही छोटी सी उम्र में उसने अपने माँ को खोया है, लेकिन वो अब तक ये यकीन उसको वो ये नहीं मानता कि हाँ उसकी माँ उसे वापस नहीं, वो सोचता है कि उसकी माँ उसे वापस मिलेगी। तो इस तरीके का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, एंड व्हेन ही फॉल्स इन लव देन ही डजंट वांट टू लूज दैट एज वेल। जी, जो इसका जो अलगपन है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कहानी है, कि आप जान नहीं सकते कि क्या होने वाला है आगे जाके, और इस फिल्म में मेरे को एक बहुत ही मैच्योर्ड कैरेक्टर का किरदार निभाया हूँ मैंने, तो वो जो मैच्योरिटी से उस और सेंसिटिविटी से जो इस कैरेक्टर को मैं प्ले कर सकूँ, ये मेरे लिए एक चैलेंज था, और शायद आई होप आई हैव डन अ गुड जॉब इन इट। जी, ऐश्वर्या तो हमेशा मुझसे कहती थी जब हम मॉडल थे कि तुम ज़रूर एक्टर बनोगे, और मैं हमेशा कहता था कि मैं एक्टिंग में मुझे कोई शौक़ नहीं है, और मैं हिंदी फिल्म का एक्टर नहीं बन सकता, और वो हमेशा मेरी टांग खींचती थी और कहती थी कि तुम 100% एकदम फिल्मी आदमी हो, तुम एक्टर बनोगे। तो अब उनके ही होम प्रोडक्शन में काम करते वक्त जब हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते थे, तो एक दूसरे को देख के हंस पड़ते थे, और दैट्स हाउ वी एक्चुअली शॉट द मूवी। इट वाज क्वाइट अ ऑकवर्ड फीलिंग इन द बिगनिंग, लेकिन शी इज़ अ वेरी वेरी मैच्योर्ड एक्ट्रेस, एंड शी इज़ मैच्योर्ड अ लॉट विद सो मेनी फिल्म्स दैट शी हैज़ डन, एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हर। वैसे वो खुद प्रोड्यूसर नहीं है, उनके उनके भाई ने प्रोडक्शन कंपनी में पार्टनर है, उनके साथ हैं शबीर बॉक्स वाला, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और कहानी जो है इस फिल्म की वो ऐश्वर्या की माँ की है। शी हैज़ गॉट द आइडिया ऑफ द स्टोरी एंड नाउ दे पुट इट टुगेदर लाइक दैट। वैसे प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन हम उनकी बहुत खिंचाई करते थे ऐश्वर्या की सेट पे, मालकिन मालकिन कह के बुलाते थे उन्हें, और शी यूज़ टू फाइंड इट वेरी एम्बैरेसिंग, बट शी इज़ रियली नॉट द प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर इज़ हर ब्रदर एंड हर मॉम, एंड देव बीन अ रियली रियली गुड प्रोडक्शन टीम। बहुत ही जल्दी हमने ये पिक्चर ख़त्म किए, विद इन 6 months, एंड we shot in different locations in South Africa, in Bombay, and the cinematographer is Ashok Mehta, so jo look hai picture ki bahut hi achhi hai, and the story is very nice, and it was like working with a nice big family. So one major had
या अभी रिसेंटली नदीम श्रवण ने मेरी एक दूसरी पिक्चर थी दिल है तुम्हारा जिसके लिए उन्होंने म्यूज़िक किया था और वो म्यूज़िक बहुत चली है और उसके बाद है दिल का रिश्ता इसमें बहुत ही अलग किस्म का म्यूज़िक दिया उन्होंने मेलोडीज़ के हिसाब से और स्टोरी को मन में रखते हुए उन्होंने ये म्यूज़िक बनाया है इस पिक्चर का इस पिक्चर में मेलोडीज़ बहुत अच्छे हैं जैसे कि एक गाना है हाय दिल वो मेरा फेवरेट गाना है इस पिक्चर का एंड इट्स रियली अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड इन साउथ अफ्रीका देयर इज़ आल्सो अ सॉन्ग कॉल्ड धैया धैया जो ऐश्वर्या का सोलो गाना है इस पिक्चर में विच इज़ लाइक अ आइटम सॉन्ग एंड शी इज़ डन अ रियली गुड जॉब इन इट एंड देन देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड दिल चुरा ले विच When you see the movie, जब आप पिक्चर देखोगे तो जिस हिसाब ने इट्स लाइक अ लोरी ऑलमोस्ट बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस सॉन्ग सो दैट्स अनदर सॉन्ग आई रियली लाइक वेल लकीली फॉर मी इन दिस मूवी और अनलकीली फॉर मी आई डोंट नो जिस तरीके से मेरा कैरेक्टर है वो ज़्यादा नाच गा नहीं सकता क्योंकि अगर आप इतना सीरियस कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और सडनली आप नाचना शुरू करेंगे आप तो इट्स गोना टेक अवे फ्रॉम द कैरेक्टर सो एक्चुअली देयर वाज इन धैया धैया आई वाज सपोज टू बी इन दैट सॉन्ग बट देन आई सेड दैट यू नो आई मीन इट गोज अगेंस्ट माय कैरेक्टर एंड आई वुड नॉट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड सो दे सोली पिक्चर एंड दे अग्रीड विद मी एंड दे सोली पिक्चराइज्ड इट ऑन ऐश्वर्या एंड आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट on the movie than to concentrate more on a song and dance item and that's what we've done we've stuck surely by the characters and say okay this character can do this cannot do this and there were certain restrictions in that aspect so isliye I think it must have been difficult for Nadeem Shravan also to give music for this movie because they said what is my hero going to do But there are songs which are incorporated in a way which also goes with the character. How would you rate yourself as a dancer? How would you perform? Well, I try my best. I like to dance. It's not that I don't like to dance. I like music. But I try my best. I mean, it's dancing in a movie is very different from dancing in a nightclub or anything like that because there are choreographed movements. And you have to practice for it. You have to go for rehearsals. And... if you really and see what steps look good on you don't look good on you you have to have a good rapport with your choreographer so I do that I work hard on it aankhe mein jo mera role tha ek blind aadmi ka जब मैं स्कूल में कॉलेज में था हिंदू कॉलेज में दिल्ली में तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे किताब जो हैं वो ब्रेल में नहीं थे ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो थे हमारे कॉलेज में उनके लिए काफ़ी किताबें जो हमारे लाइब्रेरी में थे दे वर नॉट इन ब्रेल तो उस वक्त जो जूनियर्स थे जैसे कि मैं उस वक्त वी हैड टू गो एंड वी हैड टू रीड दोज बुक्स to the subjects to the blind students and that was my first interaction I'd had really with blind people and I really got fond of them because they have a really different life and they have a different lifestyle and I was really intrigued by that us waqt to kabhi socha nahi tha ki you know I will be someday in my life playing a blind man's role but so when this role came to me I was suddenly taken back to that time when I used to be with these people and I said yeah I would love to do this so it came quite kind of naturally and baki amitabh bachchan sir akshay parishawat ji amit ji ke sath us har actor kaam karna chahta hai and it was wonderful working with him bahut seekhne ko mila unse he's a wonderful human being and he's a superb actor and yeah I'd love to do another film with him and most probably I will be doing one in the future so it's wonderful working he's a great man so
जी सब लोग कहते हैं कि हाँ दिल है तुम्हारा ज़्यादा करके वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा ये सोच है कि हर पिक्चर में एक हीरोइन हीरो को सपोर्ट करती है, तो क्यों ना कभी कभी हीरो भी हीरोइन को सपोर्ट करे. एंड आई रियली लाइक द सब्जेक्ट ऑफ दिल है तुम्हारा, इवन दो यस द स्टोरी वॉज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड मी, बट द प्लस पॉइंट फॉर मी वॉज कि मुझे एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा था, कुंदन शाह के साथ काम करने को मिल रहा था, वो आई रियली लाइक एंड आई थिंक इज ग्रेट विद कॉमेडी, एंड आई गॉट अ चांस टू डू अ वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर इन द मूवी, सो दैट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मी. एंड सेकेंडली आई थिंक द स्क्रिप्ट वॉज वेरी गुड, यू नो इट वॉज अ नाइस इमोशनल स्टोरी ऑफ अ मदर एंड अ स्टेप डॉटर, एंड आई सेड यस वाई नॉट सपोर्ट पीपल. मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि अरे मेरा क्या है इसमें. There were a lot of plus things for me also, but it was great working on that movie. Good experience, great working with Preeti, Rekha ji, Jimmy, and Mahima. So I don't think look at it like that. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड डायरेक्टर हु कैन गेट दैट काइंड ऑफ वर्क आउट ऑफ यू. कुंदन डिड दैट. And I think that is important, you know. For me as an actor, I always think, how am I going to grow as an actor every day? And the only way I can do it is agar main alag alag kism ke role karun, you know. To usme meri jo growth hai, jo what I can discover as myself as an actor, what audiences can discover about me, and most probably what other people who are from the industry can see and say, oh, Arjun also can do this and do this. So that is what is important. There's a certain amount of satisfaction that comes, and most importantly, you can surprise your audiences. Like nobody thought that I would do a role like that, and I guess. So what do you personally think? Arjun is best at what? That's what I'm saying. I don't want to create an image where they'll say, "Arey." अर्जुन रामपाल की पिक्चर है तो इसमें एक्शन होगा या इसमें कॉमेडी होगा या इसमें रोमांस ही होगा. नहीं, आई वुड लाइक टू ऑलवेज सरप्राइज माय ऑडियंस एंड से ओके आई कैन गिव यू समथिंग एल्स. नाउ अर्जुन, इस साल आप स्टेज शोज भी किया था, हाउ वाज जी हम लोग वर्ल्ड टूर पे गए थे, मेरे साथ थे ऋतिक, करीना, करिश्मा और अफ्ताब. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल ऑफ देम फर्स्टली, एंड सेकेंडली मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पर है. देर सो मेनी इंडियंस आउट देयर, सो मेनी NRIs, एंड दे आर लाइक मैड 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 फैंस, एंड दे आर वंडरफुल पीपल, एंड इट्स बीन जस्ट सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस गोइंग देयर, डूइंग द वर्ल्ड टूर, गोइंग एंड सिंगिंग योर सॉन्ग्स, एंड पीपल दे रियली क्रेव फॉर यू नो समथिंग फ्रॉम होम टू कम टू देम, एंड लाइक दे वर समटाइम्स audiences of 20-25,000 people, and we were performing in front of them. Maine kabhi socha nahi tha ki I would be able to do that, but it was, when you're there, the energy I think that they give you, that is what really gets you going, and it was a wonderful experience. Arjun, apni free time mein kya karte hain when you're not acting, not shooting films? I'm quite a family guy and I spend most of my time at home then with my family. जी एक पिक्चर है हमको तुमसे प्यार है, जिसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, और उसमें हैं बॉबी देओल और अमीशा पटेल, एंड दैट्स फिल्म आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग गोइंग फॉर अ फिल्म फॉर राजीव राय नेक्स्ट ईयर, विच इज़ अ फिल्म कॉल असंभव, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्शन फिल्म. सो जी अब तक तो वो मिला नहीं है, यू नो, एंड द थिंग इज़ दैट ज़्यादा ड्रीम करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इट्स बेटर व्हाट वर्क यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड टू डू दैट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. तो राइट नाउ द रोल्स दैट आई एम वर्किंग इन आर माई ड्रीम रोल्स. वेल आई थिंक इट्स अ रियली नाइस मूवी, आई थिंक पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट, एंड I think this movie will definitely touch people somewhere
and there are a lot of messages in the movie, positive messages, and I think that is what is also required. It's not a run-of-the-mill kind of a film, so it is a very different film. It is a nice, and at the same time it is commercial, it's got good music, so yeah, expectations are high. Thank you so much. Thank you.